से समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई बढ़ते खबरों की शुरुआत। गेहूं खरीदी केंद्रों में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, नोडल अधिकारी केंद्र से रहते हैं गायब। नायब तहसीलदार राजनगर निरीक्षण करने पहुंचते फिर भी नहीं सुनते किसानों की फरियाद। कृषि उपज मंडी राजनगर में गेहूं खरीदी केंद्र में किसान पानी पीने के लिए परेशान, जगह जगह किसान का हो रहा शोषण, प्रशासन खामोश। छतरपुर जिले में तमाम जगहों पर इन दिनों गेहूं खरीद केंद्र में किसान ठगी के शिकार हो रहे हैं, किंतु प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। ऐसा ही मामला राजनगर गेहूं खरीदी केंद्रों में देखने को मिला। किसानों का हालचाल जानने के लिए नायब तहसीलदार राजनगर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, परंतु किसानों के खून पसीने की कमाई में समिति प्रबंधक की चांदी कट रही है। नायब तहसीलदार के द्वारा समिति प्रबंधक को हिदायत तक नहीं दी जा रही। वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी राजनगर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहाँ पर नोडल अधिकारी भी गोल रहते हैं और प्रशासन के कानों में जून तक नहीं रेंगते हैं। जो कृषि उपज मंडी राजनगर से खबर ली तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र अलग है, जहाँ पर किसान व समिति के कर्मचारी पानी पीने के लिए मोहताज है, तपती धूप पल्लेदार तुलाई कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन बेखबर है। अब देखना यह है कि राजनगर कृषि उपज मंडी के केंद्र से गायब होकर नोडल अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। मंडी परिसर में पानी पीने की कैसी व्यवस्था की गई है, इसमें कुछ किसानों को और समिति प्रबंधकों का कहना है कि यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। क्यों मंडी प्रांगण के अंदर जगह जगह टंकियाँ रखी हुई हैं, दो वाटर कूलर भी रखे हैं, पीछे वाली टंकी का भी जो उस तरफ लगी है उसमें पानी की सप्लाई एक दो दिन में हो जाएगी, क्योंकि निर्माण का प्रस्तावित था उसका, वो अभी बीच में ये लॉकडाउन होने की वजह से बंद है, लेकिन हम उसको दिखवा रहे हैं, वो भी चालू हो जाएगी एक दो दिन। मैडम जी एक समस्या हो रही है, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी मास्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है, नोडल अधिकारी की जो नियुक्ति की गई है यहाँ पर क्रमांक दो में गोरेलाल अहरवार जी हैं, वो यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन या कोई कार्यवाही होगी? मंडी का उससे कोई नहीं है, वो प्रशासनिक आधार पर लगी है, वो उसके बारे में मत।